आपने लिखा साक्षी भाव भाव कहाँ बनता है मन में और मन की आदत क्या है उसमें कभी भी कुछ भी स्थिर नहीं होता तो आज जो साक्षी भाव बन रहा है कल नहीं बनेगा फिर देह भाव आ जाएगा आज बोल रहा रो मैं साक्षी 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 कुछ दिनों में वो फिर भूल जाएगा कुछ घड़ियों में फिर भूल जाएगा तो जुबान पे रहता है मैं साक्षी हूँ दिल में होता है हम तो देह हैं जुबान पे रहेगा हम साक्षी हैं लेकिन मन में रहेगा हम तो मन ही हैं मन की भावना और विचार जो है वही आपको अपना आप दिखते हैं तो वाणी पर क्या है इज नॉट द पॉइंट और बुद्धि में आप किस विचार को रिपीट किया है दैट इज आल्सो नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस अनिल एंड अनलेस आपकी अनुभूति आपका साक्षात्कार और आपका निश्चय ये सब एक ही तार में ना हो एक ही तार में ना हो एक ही सुर में ना हो भाव मन में बनते हैं भाव बदल जाते हैं और हमने साक्षी भाव बनाने को नहीं कहा ये अब आप कहाँ से पढ़े हो कौन सी पुस्तकें पढ़े हो किसको किसको सुने हो कहाँ कहाँ से ऐसी रिपिटिशन्स आपने ले ली है कि साक्षी का भाव बनाओ साक्षी भाव बनाओ अब लगे रहो भाव भूल गए तुम तो भाव मन में बनते हैं और मन कभी स्थिर नहीं होता तो तुम्हारा साक्षी भाव भी स्थिर नहीं रहेगा भी चला जाएगा कभी मन भाव कभी देव भाव कभी इंद्रिय भाव और कभी आपके जो रिश्ते नाते होते उन्हीं का ही भाव बन के रह जाता है साक्षी भाव आ, बनाना आपका लक्ष्य नहीं है साक्षी हूं यह निश्चय होना आपका लक्ष्य होना चाहिए मन की शांत अथवा अशांत स्थिति में निरपेक्ष रह पाना और साक्षी मैं बनता हूँ फिर मैं बनता नहीं हूँ फिर मैं बनाता हूँ अपने आप को साक्षी फिर मैं साक्षी नहीं रहता हूँ फिर तो नहीं तो यही यही कच्चा पक्का साक्षी सारण कभी बन गया कभी नहीं बन गया कभी भाव बन गया कभी नहीं बन गया और सुषुप्ति में मन गया सो so, तो साक्षी भाव भी गया बुद्धि हिल गई तो वो भी गया तो मन बुद्धि की स्थिति पर क्या निर्भर है आपका साक्षी होना अगर मन बुद्धि की स्थिति से तुम्हारा साक्षी होना तुमको लगता है और मन बुद्धि में वो निश्चय ना बने तो अपना आप साक्षी होना नहीं लग रहा तो अभी फिर आप मन को साक्षी बनाने पर तुल गए हो अपने आप को साक्षी नहीं देख रहे हो तुम अभी भी दैट इज द बिग्गेस्ट मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ दी कच्चा पक्का वेदांती विल डू टू दमसेल्व वो आंख बंद करके बैठ क्या कर रहे हैं हम साक्षी बन रहे हैं हम साक्षी हो रहे हैं हम साक्षी भाव बना रहे हैं। हैंजेंट वर्क भाव की बात नहीं है जो साक्षी है सो साक्षी है और जो साक्ष्य है वो साक्ष्य है साक्ष्य साक्षी नहीं होगा साक्षी साक्ष्य नहीं होगा तो हम साक्ष्य को साक्षी बनाने को तो कहीं नहीं रहे मन साक्ष्य है कि साक्षी और आप मन में भाव बना रहे हो बुद्धि साक्ष्य है या साक्षी अब आप बुद्धि को बुद्धि को साक्षी बना रहे हो तो वो बिचारी कहाँ से बन जाएगी असत को सत नहीं बनाया जा सकता ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत अब मन बुद्धि के विचार या मन बुद्धि के निश्चय को करना और फिर मन बुद्धि का लीन हो जाना वहाँ भाव बनाने की तो बात ही नहीं है तो इसी को मैं कहती हूँ अभी ज्ञान परोक्ष हो रहा है अभी ज्ञान का अपरोक्ष नहीं हुआ तो काम तो अभी मैं कहूँगी शुरू हुआ है आपको लग रहा है ख़त्म हो गया कच्चे वेदांतियों का तो एक ही मिनट में खत्म हो जाता है मैं साक्षी हूँ और संसार मेरा दृश्य है चलो बात खत्म छुट्टी अब क्या करें चलो अब चुगली निंदा करते बैठ के पैसे बनाते हैं माया में पढ़ते हैं Uh, आश्रम बड़ा करते हैं आश्रम बड़े बनाते हैं, चेले ज्यादा बनाते हैं क्योंकि साक्षी तो हम हो गए समझ लग गई अब अब क्या करना है समय बिताने के लिए करना है कुछ काम है ना शुरू करो नया आश्रम लेके प्रभु का नाम <laughs> तो आश्रम पे आश्रम बनाते जाएंगे और गृहस्थी जो है वो वो अपना कारोबार में पहले से ही बिजी होता है तो उसको लगता है तो और बढ़िया बात हो गई न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम कहीं मंत्र करने की जरूरत नहीं कहीं तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं शिवो हम शिवो हम अच्छा तो अब ये इसके बाद क्या करेगा शिवोहम के बाद हम के बाद बैठ करके नोट छापेगा पैसा कमाएगा फैक्ट्री नहीं खोलेगा और नहीं और नहीं और बड़ी और बड़ी और बड़ी करेगा तो साधु समाज के कुछ लोग हैं जो वो इसी इसी टंटे में फंसे हुए क्योंकि उन्हें लगता रहे सब तो सुन लिया ज्ञान सुन लिया उपनिषदे बारह पंद्रह कर ले और विवेक चुड़ा मनी आपानुभूति और ब्रह्मसूत्र अगर कहीं ये भी कर लिया अब क्या पढ़े सब तो पता है अब तो चलो अब अब अपने मंदिर को ऊंचा बनाते हैं और नया नया मंदिर बनाते हैं फला स्वामी ने मंदिर बनाया सौ करोड़ में तो हम बनाएंगे दो सौ करोड़ में उसने बनाया मंदिर सौ किलो सोना लगा के हम दो सौ किलो सोना लगा के तो ये साधु समाज फिर ये इसमें दौड़ में पड़ जाते तो और बड़ा और बड़ा और बड़ा कंपटीशन चलता है फिर कितने 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 तो तो अगर गरस्ती अपना बेटा बेटी पैसा में फंसा है तो बहुत साधु अपने चेला चेली और अपने बैंक अकाउंट में कितना माला है वो भी उसी में फंसा हुआ है ज्यादा फर्क नहीं होता है। बस एक कहे कि वो एक कलर की ड्रेस रोज पहनता है गृहस्ती जरा बदल बदल के रंग पहन लेता बस और तो कोई खास फर्क होता नहीं ज्ञान है भी कितना अब बताओ Uh, आत्मबोध के प्रकरण ग्रंथ के कितने श्लोक 68 बस और क्या तत्वबोध के कितने नवा अस्सी पचासी और कितने विवेक चूड़ामणि के कितने 500 के करीब और कितने तो इन इनको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा और अगर आप संस्कृत भाषा सीख गए हैं आपके लिए तो और भी आसान हो गया क्योंकि आप अर्थार्थ नहीं करेंगे अर्थात भगवान ने ये कहा पहले संस्कृत के आंख से गुजारी फिर नीचे अर्थात भगवान ने ये बोला फिर कृष्ण ने ये बोला फिर अर्जुन ने ये पूछा वो फिर हिंदी की पूरी टीका पढ़ो और टीका करने वालों ने तो ऐसे ऐसे सत्यानाश किए हैं तो क्या ही कहने उनके तो याद रहे साक्षी भाव नहीं है साक्षी भाव बनाना भी नहीं साक्षी हूं ये जानना ये जानना उसका निश्चय हो जाए अब चूंकि ये निश्चय रहता नहीं है इसीलिए फिर आपको बार बार बनाना पड़ता है क्यों क्योंकि अभी चित्त में संशय है और बहुत सारे विपर्य है और बहुत सारे मन की पुरानी आदतें हैं दे आत्मभाव है मन से जुड़ जाते हो पुनः पुनः ये अध्यास जो बन जाता है अध्यास की निवृत्ति हुए बगैर सिर्फ ज्ञान का शब्द सुनने से ज्ञान का काम खत्म नहीं होता है सोते जागते उठते बैठते देह बन के जी रहे हो के साक्षी हो के जी रहे हो अब एक घंटा आंख बंद करके बैठ गए अभी हम साक्षी हैं और एक घंटे बाद हम साक्षी नहीं अब तो हम देह हो गए अब तो हम मन हो गए और मन बन के राग द्वेष और निंदा चुगली और हाँ, बड़ा छोटा और तेरा मेरा और मान अपमान अरे बड़ी बड़ी भारी समस्या है मान अपमान एक ने कहा नहीं हम दो घंटे करते एक घंटे नहीं दो घंटे करते एक घंटा सुबह साक्षी भाव में बैठते हैं, फिर एक घंटा हम शाम को साक्षी भाव में बैठते जो वेरी गुड चौबीस घंटे में से दो घंटे तुम तो हो गए साक्षी बाकी समय क्या देह मन और इंद्रिय इसका मतलब अध्यास चुका नहीं अभी मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है ध्यान की अच्छी गहरी अनुभूति हो यह बहुत आवश्यक है पर ध्यान में आई हुई कोई भी अनुभूति सनातन नहीं है इसी चक्कर में तो ये बहुत सारे जो योगी बाबा वो अपनी गुफा से बाहर ही निकल के तैयार नहीं होते क्योंकि बाहर आते ही वृत्ति खंडित हो जाती अब वो वृत्ति को ठहराने में लगे पड़े हम किसी को देखेंगे नहीं हम किसी का खाएंगे नहीं हम किसी से बात नहीं करेंगे हाख बंद करके कुंभक दिन के हम सत्तर कुंभक करेंगे अस्सी कुंभक करेंगे कम से कम चालीस कुंभक सुबह चालीस कुंभक शाम को फिर एक समय आएगा जब चार समय करेंगे हम एक सौ साठ कुंभक करेंगे क्यों कर रहे हैं ताकि निर्विकल्प समाधि हो जाए अच्छा आपकी लग गई कुछ सालों में समाधि फिर कितनी देर रहेगी समाधि का नाश नहीं होगा कभी क्या समाधि का उत्थान नहीं होगा क्या वो भी हो जाएगा अभी ये भी समझने की बात है योग की समाधि अलग है और वेदांत की समाधि अलग है अब इसको भी खिचड़ी मत पका के बैठ जाना पतंजलि की समाधि अलग है और शंकराचार्य की समाधि अलग है उन्हें एक नहीं समझे तो अभी तो जानना शुरू हुआ है आपको दी एंड दिख रहा है तो थोड़ा खंडनावृत्ति करके हमने ये सब चीज का थोड़ा फड़ी इसीलिए किया है कि जो तुम धारणा बना करके बैठ जाते हो ना सुन के थोड़ा सा तो उसको आप एक संपूर्ण ज्ञान हो गया या संपूर्ण ध्यान हो गया ऐसा कुछ भावना मत बना के बैठ जाना वो क्या बोलते ताब मंजिल तक पहुंचने को मंजिलें आई थी हजारों ताब मंजिल मतलब द अल्टीमेट डेस्टिनेशन उस तक पहुंचने के बीच रास्ते में मंजिलें और कितनी आई हर कदम पर एक मंजिल थी लेकिन मंजिल न थी सही है ये यात्रा अनंत की है और चलना एक कदम भी नहीं है जो चाहते हैं वो पहले से है पर आँख खोल के देखना है पर बेहोशी इतनी गहरी है कि आँख खुलती नहीं है और आँख खुल गई इसके भी कभी कभी ख्याल बन जाते सपने आ जाते कि खुल गई खुली नहीं होती अभी पर ध्यान की अच्छी अनुभूति एक एक मोटिवेशन देती है एक एक इंस्पिरेशन देती है एक मन को स्वाद लगता है कि आ अंदर का जगत कितना प्यारा है लेकिन इट्स जस्ट स्मॉल अटेनमेंट इन पाथ इसलिए वो ध्यान में आए हुए ठहराव को आप मंजिल मकसूद नहीं समझ लीजिएगा अल्टीमेट मत समझ लीजिएगा क्योंकि वो रहेगा नहीं आती हैं स्थितियां चली जाती बहुत बहुत अच्छी स्थितियाँ आती हैं वो भी चली जाती पर आती स्थितियां और जाति स्थितियां जिसके सन्मुख ये सारी लीला होती है वो तुम हो तो साक्षी बनना नहीं है साक्षी भाव बनाना नहीं है साक्षी हूं यह जानना अब वो जानना क्या है बार बार लीक हो जाएगा क्योंकि अभी ज्ञान है मन अस्थिर और ज्ञान उसमें अदृढ़ इसलिए ये बेचारी पंगु जोड़ी है जिसे बुद्धि से सब मालूम होता है कि ये करना ठीक ये नहीं करना पर मन है जिसके पास आंखें नहीं है पर मन दौड़ता है तो ऐसे समझो एक एक अंधा था और एक लंगड़ा था दोनों मिले अंधे ने कहा मेरे लिए जाके बाजार में भीख मांगना बड़ा मुश्किल और लंगड़ा कहता मेरे लिए चल के जाना बड़ा मुश्किल तो कह रहे चलो ऐसे करो अंधे ने कहा कि देखो मेरे पांव अच्छे हैं तो तुम अ मेरे कंधों पे चढ़ जाओ तुम बोलते रहना कहाँ कहाँ चलना है कहां खड्डा है कहां नाला है कहाँ पत्थर है तो मैं बाया दाया बाया दाया जैसे तुम बोलते जाओगे मैं वैसे वैसे ऑर्डर के अनुसार चलता जाऊंगा और फिर क्या है कि तुम चलो मैं रास्ता बताऊंगा तो लंगड़ा अंधे के कंधों पे सवार हो गया तो बड़ी अच्छी जोड़ी बनी अब वो बाज़ार जावे और फिर वो कहे कि अच्छा अब अब बाज़ार पहुंच गए हैं तो अब चाहे तुम नीचे उतर आओ और एक दूसरे का हम हाथ पकड़ लेते हैं और यहाँ खड़े हो जाते हैं यहाँ भीख अच्छी मिल जाएगी कई दिन तो दोस्ती चली पर फिर एक दिन किसी ने लंगड़े को कहा कि देख भाई सारा रास्ता तू बताता है पर तुझे दिखाई नहीं देता और ये तेरा दोस्त जो है ना ये ज्यादा पैसे अपनी जेब में डाल लेता है तुझे क्या मालूम कितने पैसे आए भीख में तो दोनों उस दिन लड़ पड़े उनकी जोड़ी टूट गई तो उनका बिजनेस भी ठप हो गया मन है अंधा और बुद्धि है लंगड़ी और ज्ञान के रस्ते पर ठोकरें बहुत है पत्थर बहुत है नीचा ऊंचा रस्ता है तो इसलिए दो, दोनों को साथ में मिलाने की जरूरत होती कि बुद्धि जो ज्ञान से जानती है मन उसके अनुसार चले और मन की लगाम बुद्धि खींच के रखे और बुद्धि की जो जानकारी है वो सत्संग से प्राय प्रति सुनते सुनते रोज सुनते सुनते नित्य सुनते सुनते वह अपने ज्ञान को ज्ञान की आँखों को वो खोल के रखे ताकि दोनों मिलकर के फिर साधना पथ पर ठीक से चल पाए और ठीक से प्राप्ति हो जाए बहुत लोग हैं बुद्धि से बड़ी समझ है ज्ञान बड़ा सुना है सत्संग बड़ा सुना है लेकिन उनका मन बिल्कुल अंधा और कई ऐसे हैं जिनके मन तो को कहते हैं कि मतलब जैसा कहो हम बिल्कुल वैसा कर लेंगे पर उनके पास बुद्धि ही नहीं है तो ऐसे बुद्धिहीन बैठे कई आ, एक ही दिन में बारह हजार चौबीस हजार मंत्र जब कर लेते हैं इतना उनके अंदर बल है लेकिन बुद्धि के नाम पे उनके पास कुछ नहीं बस उनको जितनी बात समझ लगी उतनी ही हर चीज में वो गिनती ले आते हैं कि तुम मंत्र जब अनुष्ठान करते हो महीने में हम तो सात ही दिन में खत्म कर देते उन्होंने सात दिन क्या हम तो चार ही दिन में खत्म कर देते हैं। पर ये अंधे तो बुद्धि में ज्ञान भी सही हो और मन उस पर चल भी पाए तो दोनों का समन्वय अच्छे से होना चाहिए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि आप आ, विचार चंद्रोदय में परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान साक्षात अपरोक्ष ज्ञान इसके बारे में एक बड़ी लंबी चर्चा है उसको आप अच्छे से देखिए उसको आप अच्छे से समझिए तो मालूम होगा कि ज्ञान जितना श्रवण किया बहुत अच्छी बात पर वो आपको अल्टीमेट मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा उसके साथ मन की स्थिरता भी चाहिए तो मन की स्थिरता जब आप ध्यान के द्वारा करेंगे तो वो कभी बनेगी कभी नहीं बनेगी लेकिन किसी एक पॉइंट पर आकर के जब मन भी पूरा ठहरा हुआ होगा और बुद्धि भी उस ज्ञान के रोशनी से संपूर्ण हो जाती है उसमें फिर तीसरी चीज निकलती है जिसे हम कहते प्रज्ञा और ये आपकी अपरोक्ष अनुभूति को बना देती जब साक्षात हो जाता है फिर हम कह सकते हैं कि अब क्या करें अब तो अब करने को कुछ बचा नहीं लेकिन परोक्ष ज्ञान को आप अपरोक्ष के साथ मिला नहीं सकते कबीर साहब की गुरु नानक की शंकराचार्य की अनुभूतियों को सुन के आप ये नहीं कह सकते कि हमारी भी वो अनुभूतियाँ हो गई तो साक्षी और साक्षी भाव इसका अंतर क्या है ना वो समझना बहुत आवश्यक है आप प्रतिभाषित मैं को साक्षी बनाना चाह रहे हैं तो वो नहीं बनेगा प्रतिबिंब को साक्षी बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बनेगा और चैतन्य साक्षी है उसको साक्षी बनाना नहीं इसलिए साक्षी भाव तो बिल्कुल ही बकवास बात हो जाती साक्षी भाव बनाओ और मुझे नाम नहीं लेना पर कही एक गुरु है वेदांती वो सारा समय यही बोलते रहते साक्षी भाव बनाओ साक्षी भाव बनाओ वो आँख मन करके उनके चेले बैठ के साक्षी हूं, मैं साक्षी हूँ मैं साक्षी हूँ मैं साक्षी हूँ मैं साक्षी हूँ वो रटते रहते रटते रहते शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम पर लड़ाई भिड़ाई माया मोह लोभ मान अपमान सब वैसे का वैसा है पर दिन रात से वो हम करते रहते तो भाव नहीं बनाना मैं आपको साक्षी बना नहीं रही हूं बनाना तो वो बेवकूफ होता है और मैं ये भी कहती हूं कि बेवकूफ भी कोई किसी को बना नहीं सकता वो जो बना बनाया हुआ होता है ना वही होता है कौन किसको बेवकूफ बना सकता है मन साक्षी है वो साक्षी हो नहीं सकता बुद्धि साक्षी है वो साक्षी हो नहीं सकती और प्रतिभाषित आभास साक्षी नहीं है ये प्रतिभास जिसका है वो साक्षी है और वहां भाव की कोई प्रश्न नहीं उठती एब्सोल्युटली नॉट पर तुम्हारी सुविधा के लिए अगर जितनी बात मैंने अभी बोली अगर वो पकड़ में नहीं आई थोड़ा विचार चंद्रोदय का उसमें पूरा अध्याय है प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष और साक्षात अपक्ष ये फंडा क्लियर करो